हेलो गाइस, यार आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल साइबर मैनेटिव में। मैं अनु पटेल, और गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ वीवो के नए फ़ोन के बारे में, जो कि है वीवो Y50। इसके स्पेसिफिकेशंस और क्या प्राइस है और क्या क्या चीज़ें और आपको लेना चाहिए कि नहीं, तो वही बताऊँगा। जैसे कि वीवो की वाई सीरीज़ बहुत ही फेमस है, तो उन्होंने एक नया लॉन्च कर दिया उस सीरीज़ में, वीवो Y50। तो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए सारी चीज़ें बताऊँगा। उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और लाइक कीजिए इस वीडियो को। और चलिए शुरू करता है बिना किसी चूतिया पाके। अब यार वीवो Y50, जैसे कि आप यहाँ पे डिज़ाइन देख सकते हो, कुछ पीछे तीन चार कैमरा है और आगे, और इसमें गाइज आपको एक ही वेरिएंट मिल रहा है जो कि 8 GB रैम वाला, और इसमें बैटरी गाइज आपको बड़ी बैटरी मिल रही है, 5000 mAh की बैटरी। इसकी हाईलाइट है तो वही गाइज, 8 GB रैम और 128 GB इनबिल्ट स्टोरेज, और बैटरी है गाइस 5000 mAh की। और प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं है, स्नैपड्रैगन का 665 का प्रोसेसर है, और ये गाइस अप्रैल में ही कैम्बोडिया में लॉन्च हो चुका था, और अब ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है गाइस। और इसकी प्राइस ये कुछ 18,000 है, तो मेरे हिसाब से अगर आप ये लेना चाहते हो तो यार मत लो। लेकिन बहुत लोग लेंगे क्योंकि उन्हें उतना आइडिया नहीं रहता, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मत लो, उससे अच्छा आप इस प्राइस में रियलमी XT ले सकते हो, वरना यही प्रोसेसर आपको 10,000 रुपये में मिल रहा है, तो आप इतने रुपए क्यों खर्च कर रहे हो, जबकि आपको 10,000 में रियलमी का फ़ोन मिल रहा है, रियलमी का नार्जो, जो कि इससे अच्छा प्रोसेसर है। तो वही बोलना चाह रहा हूँ, और वीवो के इंडिया के स्टोर में ये मिलना स्टार्ट हो चुका है गाइस, और कैम्बोडिया में ये गाइस $250 में बिकना स्टार्ट हुआ था, यानी 18,700, और ये इंडिया में 18,000 में बिक रहा है। और ये गाइज इसमें आपको फीचर्स की बात करते हैं, इसमें आपको एंड्रॉयड बेस्ड OnePlus 10 होगा गाइज इसमें, और 6.53 इंच की एक फुल HD+ डिस्प्ले होगी, जो कि होल पंच होल डिस्प्ले के डिज़ाइन के साथ आएगी, पंच होल कैमरा है गाइज साइड में, और 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो है, और इसमें स्नैपड्रैगन का 665 का प्रोसेसर है, जो कि एक ठीक ठाक प्रोसेसर है, मतलब उतना भी हाई नहीं है और उतना भी लो नहीं है, मतलब लो करीबी अभी अभी आ रहा है टाइम के साथ। और इसमें 8 GB रैम है, और इसमें गाइस क्वाड कोर रियर कैमरा का सेटअप है, जो कि 13 MP का प्राइमरी शूटर कैमरा है, और 8 MP का वाइड एंगल शूटर है 128 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ, और इसमें 2 MP का पोर्ट्रेट शूटर और 2 MP का मैक्रो शूटर है। और सेल्फी की बात करते हैं, 16 MP की सेल्फी है, और बड़ी बैटरी है गाइस 5000 mAh की, एक बड़ी बैटरी है, जो कि एक बात ही बात की बात है। इसकी अच्छी बात बोलते तो एक बड़ी बैटरी है, एक अच्छी स्क्रीन साइज़ है, और रैम और स्टोरेज एक अच्छी है, लेकिन प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं है इस प्राइस में। तो मैं बोलूँगा आप अगर कोई और फ़ोन ले सकते हो तो लो उसी पे जाओ, क्योंकि यार ये फ़ोन उतना अच्छा नहीं है, रियलमी के फ़ोन पे चले जाओ, शाओमी के फ़ोन पे चले जाओ, सैमसंग के फ़ोन पे चले जाओ, लेकिन ये मत लो। अगर आप लेना चाहते हो तो 16,000 में रियलमी का XT ले लो, Realme 6 Pro ले लो, या Redmi Note 9 Pro ले लो, या सैमसंग का M31 ले लो 64 MP वाले, सारे फ़ोन में बोल रहा हूँ। इसमें गाइस आपको एक कैमरा भी उतना डिसेंट मिल रहा है, सिर्फ 13 MP का कैमरा मिल रहा है, और जो भी अभी मैंने सैमसंग रियलमी शाओमी के फ़ोन बोला है सब में 64 MP के कैमरा है, और बैटरी भी गाइस उनमें अच्छी है, सैमसंग M31 में 6000 mAh है, नोट 9 प्रो मैक्स में गाइस 5020 mAh है कुछ, तो बैटरी भी अच्छी है, और Realme XT में 4000 mAh बैटरी, लेकिन उसमें गाइस आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जिससे आपको बैटरी बहुत ऑप्टिमाइज रहेगी, और प्रोसेसर भी स्नैपड्रैगन 730G है, और वही M31 में एक्सोनस का 9611 का प्रोसेसर है, और Xiaomi में भी गाइस स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, स्नैपड्रैगन 720 का प्रोसेसर है। और इसी कारण मैं बोलूँगा अगर आप लेना चाहते हो तो दूसरे फ़ोन पर चलाओ, ये फ़ोन मत लो, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, अच्छा ओपिनियन बोलता हूँ मैं, ऐसे कुछ भी नहीं बोल देता हूँ ज़्यादातर लोगों की तरह कि यार ये अच्छा फ़ोन है, ऐसे नहीं गाइस, जो अच्छा है बहुत मैं उसे अच्छा बोलता हूँ, और जो घटिया है उसे मैं घटिया बोलता हूँ। इसलिए गाइस अगर आपको रियल न्यूज़ चाहिए और रियल फ़ोन के बारे में चाहिए कि भाई ये अच्छा है या नहीं, तो यार उसके लिए सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूले, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।